प्रक्षेपण ज्वलन बिल्कुल सामान्य आकाश की ओर उठता हुआ पीएसएलवी और जोरदार गड़गड़ाहट उसकी जोरदार आवाज हमारे कानों तक कमेंट्री बॉक्स तक बिल्कुल सुनाई पड़ती हुई अपने गंतव्य पथ तक पीएसएलवी C-35 आठों उपग्रहों को लेकर आकाश में बढ़ता हुआ All the six trapons plus the core are ignited now. The full power of PSLV is now on, and the PSLV is right now negotiating the very dense atmosphere and intense gravity of Earth. In 2 seconds, 4 strapons ignited on ground have burnt out, and we are going to separate them in another 10 seconds. The mission is perfectly normal. And everything is पीएसएलवी बिल्कुल हमसे दूर जाते हुए सामान्य परफॉर्मेंस सामान्य निष्पादन के साथ आकाश की ओर लगातार बढ़ता हुआ और निष्पादन बिल्कुल सामान्य जैसी अभी आपने घोषणा सुनी। इस समय करीब 86 सेकंड का समय बीत चुका है। हम लोग 1.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुके हैं और करीब करीब श्री हरिकोटा से 35 किलोमीटर की दूरी व्यतीत कर चुके हुए ऊंचाई करीब करीब 50 किलोमीटर प्राप्त कर चुके हैं। द फर्स्ट स्टेज इज गोइंग टू बर्न आउट इन अराउंड 5 सेकंड्स फ्रॉम नाउ एंड द सेकंड स्टेज विल बी इग्नाइटेड ऑन द बर्न आउट ऑफ द फर्स्ट स्टेज। जी हाँ, जो स्ट्रैपॉन्स लगे होते हैं वो पहले अलग हो जाते हैं और सेकंड स्टेज इज इग्नाइटेड। जी हाँ अभय जी, बड़े महत्वपूर्ण क्षण होते हैं जब इस तरह के प्रक्षेपण के में समय में जब सेपरेशन होता है। यस अलोक, द ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इट हैज टू बी वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड एंड डिजाइंड दैट द बर्नड आउट स्टेज लीव्स the first ongoing stage in a very perfect manner. As we are seeing now, the designs which we have made are being demonstrated in this flight repeatedly and every time it happens well, we gain confidence. बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। जैसा कि अभय जी बता रहे थे, ये लगातार यान के ऐसे घटनाओं से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हीट शील्ड पेलोड फेयरिंग जो है वो भी अलग हो चुकी है और इस समय हम करीब करीब 170 सेकंड के समय के दूरी पर और 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करते हुए अपने गंतव्य तक अपने अनुमानित पथ पर आगे बढ़ते हुए। द लिक्विड सेकंड स्टेज इज नाउ बर्निंग। दिस सेकंड स्टेज कॉल्ड PS-2 इज बेस्ड ऑन अवर इंडिजिनियसली डेवलप्ड विकास इंजन एंड इट एम्प्लॉयज लिक्विड फ्यूएल लाइक अनसिमेट्रिक डाइमिथाइल हाइड्रोजीन एंड N2O4 एज द oxidizer. This stage develops a peak thrust around 800 kilonewtons and burns for about 150 seconds. This liquid stage has a very high IS in specific impulse of 293 seconds and it is performing its job to perfection. जी हाँ, जैसा कि अभी अभय जी बता रहे थे, ये जो द्वितीय चरण है वो करीब करीब 12 मीटर लंबा 2.8 मीटर व्यास वाला करीब करीब इसमें 41.35 टन तरल ईंधन भरा हुआ होता है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजीन और 25% हाइड्रोजन हाइड्रेट UH25 और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में इसमें लगा हुआ होता है। हम बहुत ही करीब द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के समाप्त की ओर हैं और इसके बाद करीब 3.6 मीटर लंबा 2 मीटर व्यास वाला तृतीय चरण जिसमें 7.6 टन ठोस ईंधन हाइड्रोलिक टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन भरा जाता है और हम लोग बिल्कुल करीब किसी भी क्षण द्वितीय चरण अलग हो चुका है अपना कार्य समाप्त करने के बाद। सेकेंड स्टेज हैज बीन सेपरेटेड एंड द एफिशिएंट थर्ड स्टेज हैज बीन